नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिनभर। मैं हूं शेख जूही। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों का। राजस्थान में मानसून का कहर एक बार फिर शुरू होने वाला है। खासकर पूर्वी राजस्थान में मौसम विभाग ने गुरुवार को पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और येलो अलर्ट दिया है। इन जिलों में उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा शामिल है। इसके अलावा अजमेर, अलवर, बारा, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक और जालौर में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पड़ोसी राज्य हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान ने राजस्थान सरकार की परेशानियों को बढ़ा दिया है। इसकी वजह है यमुना जल समझौते के प्रोजेक्ट में चार सहायता की भेंट चढ़ना। हरियाणा और राजस्थान को यमुना जल समझौते के तहत संयुक्त डीपीआर बनानी थी, लेकिन हरियाणा में अभी तक टास्क फोर्स का गठन भी नहीं हुआ है। वाहन फिटनेस जांच केंद्रों को लेकर परिवहन विभाग लगातार सख्ती बरत रहा है। पिछले 3 महीने में 1 दर्जन वाहन फिटनेस केंद्र को निलंबित किया जा चुका है, लेकिन फिटनेस केंद्रों की जांच के लिए विभाग ने जो इंटर रीजन चेकिंग टीम बनाई थी, उन टीमों में से अभी तक एक ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। अडानी महा घोटाले की जांच जेपीसी से करवाने की मांग को लेकर जयपुर में ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहली बार सेबी में प्राइवेट व्यक्ति की नियुक्ति की गई। अडानी की कंपनी के शेयर बढ़ाकर देश की पूरी संपत्ति देने का खेल खेला जा रहा है। राजस्थान पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने चौकी में कथित तौर पर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार यह घटना भारकोटा थाने के अंतर्गत एक पुलिस चौकी में हुई। कांस्टेबल ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। थानाधिकारी राजकुमार मीणा ने बताया कि हेड कांस्टेबल बाबूलाल ने गुरुवार को पुलिस चौकी में फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। घटना के समय वो चौकी में अकेला था। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मामले की जांच जारी है। राजस्थान के उदयपुर में बीते दिनों 10वीं कक्षा के छात्र देवराज की हत्या पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने उदयपुर में बिगड़ रहे माहौल को लेकर पुलिस को अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि अवैध हथियारों को सरेंडर करवाएं, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऐसी घटनाओं से शहर ही उजड़ जाए। अगर ऐसा होता रहा तो लोगों का कई रोजगार समाप्त ना हो जाए। राजस्थान के जोधपुर में पेपर लीक मामले में पुलिस ने दुष्टमन ऑपरेशन के तहत 50,000 रुपए के वांटेड कांस्टेबल को दबोच ली। इस दौरान पुलिस को आरोपी कांस्टेबल को पकड़ने के लिए कई पापड़ बेलने पड़ गए। पुलिस को हैदराबाद में मजदूरी करनी पड़ी, वही श्रीगंगानगर में स्टूडेंट भी बनना पड़ा। इसके बाद जागर पुलिस ने मामले में शातिर वांटेड कांस्टेबल सांचौर निवासी चेतना राम को गिरफ्तार किया। ये कांस्टेबल पेपर बेचने के बाद आय पेमेंट की ग्रोह के लिए मैनेज करने का काम करता था। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। सचिन पायलट बोले कि दिल्ली में भी चुनाव आने हैं, आप सभी अपनी कमर कस लो, आप सभी कोई सीट बजानी है और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनानी है। दिल्ली में कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत हैं, समय बदलता रहता है। आज देश ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, राहुल गांधी के नेतृत्व में अपना विश्वास दिखाया है। बंगाल सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने आरोपी की झड़ी लगाई। कोलकाता की डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी। एजेंसी ने अदालत में सुनवाई के दौरान बंगाल पुलिस और सरकार पर सबूतों से छेड़छाड़, अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर और भी कई आरोपों की झड़ी लगा दी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल ने कहा कि जल्द ही सीटों का बंटवारा होगा और हम घोषणा पत्र जारी करेंगे। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।